नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देशभर में चल रहे लोकसभा चुनाव के चलते आज यूपी और बिहार में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। ऐसे में दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर तमाम बड़े चुनावी चेहरों पर दांव लगा हुआ है और इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही सियासी उथल पुथल के चलते तमाम पार्टियां और नेता एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बुनकर कॉलोनी के मैदान नाटी इमली में अपना दल कमेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो बनारस आकर चुनाव लड़ें, हम समर्थन देंगे। कन्नौज का रुख क्यों कर रहे हैं? हिम्मत होती तो खुद सामने उतरते, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता को ना उतारते। डॉक्टर पल्लवी ने कहा कि बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा अत्याचार पिछड़ा दलित और मुसलमान पर हुआ है। भाजपा भ्रष्टाचार का दलदल है। इस दौरान अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, प्रमास्पा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र बिंद, राष्ट्रीय उदय पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल पाल और गगन यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बुनकर कॉलोनी के मैदान में सभा के दौरान एक युवक पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस उसे कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतार ले गई। सभा स्थल में मौजूद लोगों में अनुशासन की भारी कमी लगी और इसके चलते कई बार बैरिकेडिंग टूटते टूटते बची। मंच की ओर लोगों को जाने से रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। बीच बीच में लोग एक दूसरे पर कुर्सी भी फेंक रहे थे और लोगों की उछल कूद के कारण जमकर धूल उड़ रही थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।